हेलो बच्चों आप सभी को मेरा नमस्कार तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक है ऑफ गैसेस और जो सेशन है बहुत बेहतरीन सेशन है जिसमें इस पूरे चैप्टर को एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन एकदम ब्रेन में सेट करा देंगे यानी फिर से रिवाइज करा देंगे पर इस बार हम एनसीआरटी लाइन वाइज लाइन यूज कर रहे हैं ठीक है और थ्योरी में हमने सारे कंसेप्ट सारे डायग्राम फ्लो डायग्राम आपको कराई दिए अब एनसीआर की कोई लाइन छूट ना जाए मिस ना हो जाए ठीक है उसके थ्रू भी एक बार कंप्लीटली चैप्टर को एक डिफरेंट वे में ब्रेन में सेट कराते हैं ठीक है थेके? तो आज का टॉपिक है बेटा ब्रिद इन एन एक्सचेंज ऑफ गैसेज ठीक है जिसमें कंप्लीट एनसीआरटी लेके चल रहे हैं ठीक है ओके ब्रिद इन एन एक्सचेंज ऑफ गैसेज कंप्लीट एनसीआर तो आज का जो टॉपिक है मेनली इस पर बेस्ड है तो मैंने बताया ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ठीक है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है तो रेस्पिरेशन का मेन पर्पस क्या है मैंने आपको बताया था बेटा कि रेस्पिरेशन का मेन पर्पस है एनर्जी लिबरेशन ब्रेक डाउन ऑफ फूड लाइक ग्लूकोज अमाइनो एसिड फैटी एसिड क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ठीक है और अगर एनर्जी चाहिए तो फूड का इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन करना होगा क्लियर बिल्कुल और इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन करने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए ठीक है तो हर एक ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है फॉर इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन ऑफ लाइक ग्लूकोज अमाइनो एसिड फैटी एसिड एंड लिब्रेशन होती है एनर्जी जिस एनर्जी को वो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करता है डिफरेंट डिफरेंट वे में क्लियर बिल्कुल तो सेल के अंदर तो जो जो मैकेनिज्म होती है इसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं जो सेल के अंदर हो रहा है जो लगभग हर ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होता है ठीक है बट हां उस सेल तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना पहुंचाना और इस मैकेनिज्म का जो कह सकते हो एंड प्रोडक्ट होता है लाइक एनर्जी लाइक टू जो हाइली टॉक्सिक होता है उसको बाहर रिलीज करना यानी ऑक्सीजन को लाना CO2 को ले जाना ठीक है ये एक फिजिकल प्रोसेस है जो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकती है बट केमिकल प्रोसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होती है क्लियर बिल्कुल cool? जैसे हमारे अंदर फिजिकल प्रोसेस की अगर बात की जाए तो यहां पर हमारे पास क्या होते हैं लंग्स होते हैं फेफड़े होते हैं ठीक है अगर मैं कॉक्रोच के अंदर बात करता हूं तो मैं तोल सिस्टम है ठीक है यानी ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म टू फिजिकल प्रोसेस जो कि मेनली ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो वेरी करती है बट केमिकल प्रोसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होती है क्लियर बिल्कुल जहां हो क्या रहा है एनर्जी एनर्जी के लिए इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज किसके यूटिलाइजेशन के थ्रू ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन के थ्रू और क्या लिबरेट हो रहा है सीओ टू जिसको कहां करा रहे हैं हम बाहर रिलीज कर रहे हैं ठीक है तो पहले पैरा के अंदर हमने यही सारी बात करनी है जो एनसीआरटी बोल रही है एज यू हैव रीड अर्लियर ऑक्सीजन इज यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन ठीक है ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज अमाइनो एसिड फैटी एसिड ठीक है एटसेट्रा इन सिंपल मॉलिक्यूल को हम इनडायरेक्टली ब्रेक कर रहे हैं ठीक है टू डिराइव एनर्जी समझ रहे हो टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी क्लियर बिल्कुल क्योंकि भैया अगर ये एनर्जी ड्राइव नहीं करेंगे तो अपनी वेरियस एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करेंगे क्लियर बिल्कुल एक्टिविटीज ठीक है और इस मैकेनिज्म के थ्रू होता क्या है भाई कार्बन डाइऑक्साइड सीओ टू का फॉर्मेशन होता है जो बहुत हार्मफुल होती है ठीक है और हम कर क्या रहे हैं ठीक है जो इसमें रिलीज हो रही है हार्मफुल होती है रिलीज हो रही है उसको रिमूव कर रहे हैं एक बात क्लियर है बिल्कुल इसको बाहर निकालना है पर बनती कैसे है ये कैटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू बनती है क्योंकि किसी भी चीज का टूटना कैटाबॉलिज्म होता है जुड़ना एनाबॉलिज्म होता है कॉमनली हम मेटाबोलिज्म बोलते हैं ठीक है तो यहां हो क्या सिंपल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज अमाइनो एसिड फैटी एसिड का ब्रेकडाउन डाउन कैटाबॉलिज्म हो रहा है क्लियर बिल्कुल जिसमें ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है सीओ टू का और एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है क्लियर यही तो है रेस्पाइरेशन ठीक है तो ये सेलुलर मैकेनिज्म है या केमिकल मैकेनिज्म है जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होती है बट फिजिकल प्रोसेस ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकती है क्लियर बिल्कुल चलो ठीक है रिएक्शन इट इज दियर फोर ठीक है एविडेंट दैट ऑक्सीजन हैज टू बी कंटिन्यूअसली ठीक है ऑक्सीजन हैज बी कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड टू सेल्स जिसमें क्या बनेगा सीओ टू का प्रोडक्शन होगा बाय द सेल जिसको हम रिलीज आउट कर देंगे दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विथ सीओ टू प्रोड्यूस बाय सेल इज कॉल्ड ब्रीथिंग समझ रहे हो मेरी बात जो सेल अपने अंदर सीओ टू बना रही है कंटिन्यू ऑक्सीजन यूटिलाइज कर रही है सीओ टू का फॉर्मेशन हो रहा है जिसको रिलीज किया जा रहा है इन एंड आउट इसको हम ब्रीथिंग बोलते हैं जो रेस्पायरेशन का एक पार्ट है

अगर हम रेस्पारेशन की बात करते हैं तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो तो फिजिको तो केमिकल बोलते हैं उसको फिजिकल हो गया और केमिकल हो गया अगर हम फिजिकल प्रोसेस की बात करते हैं बेटा तो फिजिकल प्रोसेस में क्या क्या आएगा भाई फिजिकल प्रोसेस में ब्रीथिंग आएगा ब्रीथिंग फिजिकल प्रोसेस में एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमोसफियर और कह सकते हो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन लंग्स एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसको एक्सटर्नल रेस्पायरेशन बोल सकते हो फिर क्या होगा ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फिर क्या होगा इंटरनल रेस्पायरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू इंटरनल रेस्पायरेशन इंटरनल रेस्पायरेशन तो ये जो मेके दिख रही है ना आपको रेस्पायरेशन ये चारों स्टेप जो दिख रहे हैं ना आपको ये फिजिकल प्रोसेस में आते हैं जो एनिमल टू एनिमल वेरी कर सकते हैं ठीक है बट केमिकल प्रोसेस की अगर बात करते हैं इसको सेलुलर रेस्पायरेशन बोलते हैं ये हर एक ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होता है क्लियर बिल्कुल फिजिकल केमिकल वाला कंसेप्ट ध्यान रखना है आपको इसलिए हम बोल सकते हैं कि रेस्पायरेशन का ही पार्ट है ब्रीथिंग क्लियर बिल्कुल नेक्स्ट आ जाओ प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट यू कैन फील द चेस्ट मूव अप एंड मूव डाउन अगर आप अपने चेस्ट पर हाथ रखोगे और गहरी सांस लोगे तो क्या हुं? आप फील करोगे मूव अप एंड मूव डाउन ठीक है तो इसी को हम क्या बोलते हैं ब्रीथिंग बोलते हैं इसी को आप टर्म यूज कर सकते हो ब्रीथिंग हाउ डू वी ब्रीथ इसका पूरा पूरा मैकेनिज्म बताने वाला हूं ठीक है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग आर डिस्क्राइब इन फॉलोइंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर उसको हम लेके चल रहे हैं ठीक है जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन समझना मेरी बात मैंने बताया था रेस्पिरेटरी ऑर्गन का मेन पर्पस क्या है फिजिकल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन क्योंकि केमिकल प्रोसेस तो टिश्यू के अंदर सेल के अंदर होती है जिसमें इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन होता है किसका ग्लूकोज का ठीक है अमाइनो एसिड्स का फैटी एसिड का ठीक है इसको कैटाबोलिज्म भी बोलते हैं क्योंकि ब्रेकडाउन हो रहा है टूट रही है कोई चीज क्लियर बिल्कुल तो ये तो हर एक ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होगी सेल के अंदर होगी बट बत मैंने बताया था फिजिकल प्रोसेस ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकती है क्लियर बिल्कुल जो जो किस पर डिपेंड हैं हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते है, उनका वेरिएशन आप, उन आप समझ रहे हो? उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है उनके बॉडी का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उनका हैबिटेट क्या है इन दो करेक्टर को ध्यान रखना इस पर बेस्ड होते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो फिजिकल प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्बल होते हैं जो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म टू ये ऑर्गेजम वेरी कर सकती है बट केमिकल प्रोसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होती है क्लियर है बिल्कुल तो मैकेनिज्म वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल पहली लाइन बता दी डिपेंडिंग किस पर डिपेंड करती है डिपेंडिंग मेनली ऑन देअर है

टेरेस्टियल है टेरेस्टियल का मतलब है लैंड पर है तो वो लंग्स भी यूज कर सकता है बुक को फेरेंजियल भी कर सकता है क्यूटेनियस भी कर सकता है मोस्टली लंग्स ही देखने को मिलते हैं ठीक है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन विद सीओ टू डिफ्यूजन, अच्छा यहां जो एक्सचेंज हो रहा है ध्यान रखना ऑक्सीजन और के बीच में कोई एक्टिव या फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट नहीं है इट इज टाइप्स ऑफ सिंपल डिफ्यूजन हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन गैसेस का डिफ्यूजन ठीक है ओवर एंटायर बॉडी सरफेस इन किसके अंदर बात चल रही है स्पॉन्स से लेके फ्लैट की बात चल रही है स्पॉन्स से लेके फ्लैट की बात चल रही है इन सब के अंदर इन सब के अंदर सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है बेटा जनरल बॉडी सरफेस से हो रहा है क्योंकि इनका हैबिटेट अभी कहां पर है आप बोलोगे है

अगर मैं ट्रैकिंग सिस्टम की बात करता हूं तो मैंने बताया भी था कॉकरोच का केस बताया था मैंने आपको कॉकरोच का केस कॉकरोच में क्या था जनरल बॉडी सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलते हैं इनको स्पारिकल्स, स्पारिकल्स स्पारिकल्स स्पारिकल्स। ठीक है ये यह यहां से ट्यूबुल टीविल ट्यूबुलर सिस्ट, सिस्टम होता है इनका ट्यूबुलस सिस्टम जो सीधा इनके कहा जाता है टिश्यू के अंदर जाता है ट्यूबुलर सिस्टम जो सीधा टिश्यू के अंदर जाएगा ठीक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए तो ट्रैकियल सिस्टम कहां देखने को मिलेगा यहां से सीधा इसमें ऑक्सीजन एंटर करेगी यानी एयर एंटर करेगी जिसमें से ऑक्सीजन टिश्यू में जाएगी सीओ टू बाहर आएगी ठीक है तो यह मैकेनिज्म ट्रैकियल ट्यूबुलर सिस्टम कॉक्रोच में देखने को मिलता है क्लियर है इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाएगा अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है समझना तो यह समझना इंसेक्ट हैव नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स जिसको हम ट्रैकियल रेस्पारेशन बोलते हैं ट्रैकियल रेस्पारेशन ठीक है तो ट्रांसपोर्ट एटमोस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी स्पेशल स्पेशल वैस्कुलर वेग स्पेशल वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर जब भी वैस्कुलर स्ट्रक्चर की बात आएगी तो हम गिल्स की बात कर देंगे मैं बत, बता लिख दे रहा हूं मैं ठीक है वैस्कुलर स्ट्रक्चर की बात आएगी तो हम किसकी बात कर रहे हैं गिल्स की बात कर रहे हैं ठीक है थीके? तो इसको तो हम क्या टर्म यूज करेंगे गिल्स और जब भी गिल्स की बात आएगी तो इसको हम बोलते हैं ब्रैंड रेस्पिरेशन इसको हम क्या बोलते हैं ब्रैंड रेस्पिरेशन ठीक है वेस्कुल स्ट्रक्चर और वेस्कुल बैग की बात करते हैं अगर हम तो वेस्कुल बैग इसका मतलब हम लंग्स की बात कर रहे हैं लंग्स की बात कर रहे हैं और लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन समझ रहे हो और ऐसे ही टर्म आए, आएगा अभी बताया मैंने ट्रेकियल रेस्पिरेशन ट्रैक्यल रेस्पिरेशन ठीक है जब नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल आएगा नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल आएगा ये टर्म्स आपको ध्यान रखने हैं नेटवर्क ऑफ टिब्यूल नेटवर्क ऑफ टिब्यूल की बात करेंगे नेटवर्क ऑफ टिब्यूल की बात करेंगे तो ट्रैकल रेस्पिरेशन ट्रैकल रेस्पिरेशन ऐसे ही मैंने बताया था मॉइस्ट क्यूटिकल की बात आएगी ठीक है मॉइस्ट क्यूटिकल की बात आएगी अर्थोम के केस में और फ्रॉक के केस में भी मॉइस्ट क्यूटिकल की बात आएगी ठीक है लगता मॉइस्ट तो क्यूटिकल ठीक है तो इसको हम रेस्पिरेशन बोलेंगे जो अर्थवॉम और फ्रॉग में देखने को मिल जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो ब्रांकल समझ में आ गया ब्रैंकल नहीं बोलना क्वेश्चन आएगा आर यूज्ड बाय द मोस्ट ऑफ द

Are used by the, और कौन यूज करते हैं पल्मोनरी कहां पर होंगे जहां पर टेरिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ टेरिस्ट्रियल पर, पर रहने वाले एनिमल्स होंगे ठीक है अब मैं पूरे की बात करता हूं फिश यूज गिल क्योंकि वो पानी में रहते हैं गिल्स यूज करेंगे वेयर एम्फीबियन की अगर हम बात करते हैं रेप्टाइल्स की बात करते हैं ठीक है बर्ड्स की बात करते हैं इन सब के पास लंग्स होते हैं ठीक है एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग अगर मैं फ्रॉग की बात करता हूं एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग अब इनके लिए मॉइस्ट स्किन भी होती है जिसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं फेरेंजियल भी होता है और लंग्स भी होते हैं इनके पास ठीक है तो आपको ये याद रखना है चार पॉइंट ऐसे पॉइंट हैं जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाएगा समझे बेटा तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं अगर मैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करता हूं तो मैंने आपको नोट्सों में पहले अपर के बारे में बताया था फिर लोअर रेस्परेटरी सिस्टम के बारे में बताया था ठीक है अगर मैं ट्रैक के बारे में बात करता हूं, तो हमारे पास एक होते हैं, जहां से एयर एंटर करती है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल ठीक है वन पेयर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल जहां से एयर एंटर करेगी फाइनली ट्रेकिया ठीक ठीक है, है, ओके, तो वन होते हैं, अपर लिप्स लिप्स के ऊपर इनका स्ट्रक्चर होता है एट लीड टू दैम्बर अंदर कहां ओपन करते हैं ये के अंदर, ये लो पूरा नेजल चैंबर है ठीक है अंदर करते हैं नेजल चैंबर के अंदर और ये नेजल चैंबर इंटरनल ओपनिंग होती है उसके इंटरनल नॉस्टल बोलते हैं और यहां यूविला होता है इसके थ्रू ओपन कहां करेगा फैरिंग्स के अंदर इट इज कॉमन पैसेज। और पैसे ओपन करता है लैरिंग्स के अंदर और लैरिंग्स कहां पर एयर पाइप इसको ट्रेकिया बोलते हैं ट्रेकिया ठीक है जो आगे जाकर के लंग्स के अंदर ओपन करते हैं जहां पर आपको कार्डिक नॉच भी देखने को मिल जाती है कार्डिक नोच ठीक है ओपनिंग आउट एव द अपर लिप ठीक है इट लीड टू द नेजल दैम्बर थ्रो द ने इू फैरिंग्स नेजल चैम्बर ओपन इंटू फैरिंग्स अ पोर्शन ऑफ विच इज कॉमन पैसेज अगर नेजल फेरिंग्स की बात करते हैं तो नेजल फेरिंग्स क्या इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर क्योंकि ये वो कैविटी है वो चैम्बर है ये कैविटी है वो चैम्बर है हाँ ये कैविटी है या चैम्बर है जो एयर और फूड दोनों के लिए कॉमन होती है समझ गया ना मेरी बात अब जैसे डायग्राम में दिखा दिया है फैरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड यहां एयर और फूड दोनों के लिए कॉमन है भाई यहां से एयर भी जाएगी और उसके बगल के अंदर यहां पर ईसोफेगस भी तो होती है यहां से फूड भी एंटर करेगा ठीक है तो एयर और फूड दोनों के लिए कॉमन जो पैसेज होता है ना, उसको हम फेरिंग्स बोलते हैं चलो आगे बढ़ते हैं हा द फेरिंग्स ओपन थ्रो द लैरिंग्स रीजन इन टू ये लाइन पूरी पूछी जाती है जो फेरिंग्स होता है वो ओपन थ्रो लैरिंग्स रीजन

साउंड बॉक्स भी बोल सकते हो क्योंकि साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है कार्टिलेजनस बॉक्स हमने अलग कलर से दिखाते हैं इसको मजा आएगा देखने में यहां होता है साउंड बॉक्स ठीक है साउंड बॉक्स ड्यूरिंग सॉलोइंग जब आप खाने को निगलते हो तब यहां पर एक फ्लैप होता है कार्टिलेजनस फ्लैप ये फ्लैप इसको आप एपीग्लॉटिस बोलते हो क्या बोलते हैं इसको एपीग्लॉटिस एपीग्लोटिस एपीग्लॉटिस जब आप खाने को निकलते हो डी ग्लूटिनेट करते हो ठीक है तब उस समय कहीं ऐसा ना हो ये फूड आपका में एंटर कर जाए तो ये एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर कर लेता है फूड सीधा माउथ से सीधा फूड ईसोफेगस में एंटर करता है हम बात कर रहे हैं यहां पर फूड की क्लियर बिल्कुल तो नेक्स्ट साउंड बॉक्स तो क्लियर था आपका साउंड बॉक्स में कोई डाउट नहीं है आगे बढ़ते हैं ड्यूरिंग सोलोइंग ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय कवर्ड बाय थिन इलास्टिक कार्टरिजनल फ्लैप इस फ्लैप को हम क्या बोलते हैं एपीग्लॉटिस टू प्रिवेंट जो रोकता है एंट्री ऑफ फूड इन टू लैरिंग्स जो लैरिंग्स के अंदर फूड की एंट्री को रोकता है क्योंकि कवर कर लेता है ट्रेकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब ट्रेकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है दिख रही है आपको ट्रेकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है प्रिवेंट ऑफ एंट्री हाँ ट्रेकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंड अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी ठीक है एक्सटेंड मेरी बात एक्सटेंड वही नीचे से देखो ऊपर कर कर रही रही है है ठीक है आप समझ रहे ना मेरी बात, extend अप up ना मेरी बात? पर अच्छा extend up इस तरीके से बोलना चाह रहे हैं और कहां तक कैविटी तक ठीक है यहां तक अप कर रही है और फिर आगे जाकर के ये डिवाइड मिड थोरे से कैविटी मिड थोरे से कैविटी तक एक्सटेंड अप कर रही है एक्सटेंडिंग अपड थोरे से कैविटी और वहां जाकर के ये डिवाइड होती है ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछाएगा टी फाइव फिफ्थ नंबर की थोरेसिक वर्टिवरा किसमें डिवाइड होती है लेफ्ट एंड राइट लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रॉनकाई समझ रहे हो भाई मैंने बताया था ट्रेकिया आती है फिर पांचवें नंबर की थोरेसिक वर्टिवरा पीछे होती है उसके सामने से बाईफर्केट होती है दो पार्ट में ठीक है इसको हम ब्रॉनकाई बोलते हैं प्राइमरी ब्रॉनकाई फिर डिवाइड करते हैं सेकेंडरी ब्रॉनकाई फिर डिवाइड करते हैं टर्सरी तो तीन बारोनकाई तो में डिवीजन होता है डक्ट से जिनमें लगे होते हैं एलवर सैक और जो मिलके बने होते हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर इनको बोलते हैं एलव्योलाई आई बेटा इच ब्रॉनकाई ब्रॉनकाई

तो ट्रेकिया में भी C-शेप सीशेप रिंग होते हैं प्राइमरी ब्रोनकाइव में भी होते हैं सेकेंडरी ब्रोनकाइव में भी होते हैं टर्शरी ब्रॉनकाइव में भी ये C-शेप देखने को मिल जाते हैं इनिशियल ब्रॉनक्यूल तक मिलते हैं बस इनिशियल ब्रॉनक्यूल तक टर्मिनल ब्रॉनक्यूल में नहीं होते समझना इनिशियल ब्रॉनक्यूल तक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे फिर इसके नीचे आके आ टर्मिनल आ जाएंगे, ये टर्मिनल ब्रॉनक्यूल में शीशेन कार्टिलेज नहीं होते ध्यान रखना आपको ठीक है टर्मिनल ब्रॉनक्यूल में शीशे भालीन कार्टिलेज नहीं होते क्लियर है बिल्कुल ठीक है रिंग ईच टर्मिनल ब्रॉनक्यूल गिव राइज

ये लंग्स है ये दो लेयर है प्लूरल मेम्ब्रेन, और इनके बीच में क्या भरा होगा फ्लूड होगा इसको क्या बोलते हैं प्लूरल फ्लूड प्लूरल फ्लूड प्लूरल फ्लूड यहां क्या होगा प्लूरल फ्लूड होगा ये स्ट्रक्चर हो गया ठीक है तो लंग्स ये लंग्स हो गया टल बाहर वाली प्लाइट लेयर होगी अंदर वाली विसरल और इनके बीच में होगा प्लूरल फ्लूड ओके ये कंसेप्ट ध्यान रखना है आपको ठीक है डबल लेयर प्लूरा विथ

तो उसको अंदर वाली को हम क्या बोलेंगे इंटरनल वो लंग्सिंग सरफेस से जुड़ी होगी पराइटल और विसरल विसरल अंदर वाली होती है पराइटल बाहर वाली होती है द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल ध्यान रखना है आपको एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंकियोल इसको तो बोलते हैं कंडक्टिंग जोन ठीक है इसको तो बोलते हैं कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी ब्रॉनक्यूल से लेकर के एलवेलाई एलव्योलाई ये पूरा पार्ट है रेस्पायरेटरी जोन रेस्पायरेटरी जोन तो दो जोनों में डिवाइड कर दिया हमने कंडक्टिंग जोन और रेस्पायरेटरी ठीक है तो मैं स्टार्ट कर देता हूं द पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल अप टू टर्मिनल ब्रोंकियोल ठीक है इसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट ठीक कंडक्टिंग जोन जबकि वेयर एज द एलव एंड देयर डक्ट इसको हम बोलते हैं रेस्पायरेटरी जोन है रेस्पायरेटरी सिस्टम ठीक है एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पायरेटरी सिस्टम द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट ये कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या है भाई एयर को ट्रांसपोर्ट करना क्या काम है ट्रांसपोर्ट द एटमोस्फेरिक एयर टू द एल्ब्लाय और क्या काम करता है क्लियर It from भाई इसमें होते हैं, जोन में. तो फॉरिन पार्टिकल से भी क्लीन करने का काम करती है. साथ में ये आर्द्रता का भी थ्योरी में बहुत डिटेल में समझाया था कि एयर के अंदर मॉइस्चर जैसे आप हा, हा, अब एयर में देखो मॉइस्चर होगी ठीक है क्लियर है बाहर वाली एयर ड्राई है पर अंदर से निकल रही है मॉइस्चर है क्यों क्योंकि अंदर जो कंडक्टिंग जोन है ना वो एयर के अंदर मॉइस्चराइज कर रही है एयर के अंदर नमी या मॉइस्चर को इनबिल्ड करने का काम कर रही है ठीक है द एयर बॉडी द टेम्परेचर साथ में क्या करती है एंड ब्रिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर ठीक है एयर टू बॉडी टेम्परेचर एयर के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के इक्वल भाई बाहर का एटमोस्फेयर कितना तो भी मतलब चिल रखा है या हॉट रखा है बॉडी टेम्परेचर से पर जो एयर धीरे धीरे अंदर जाएगी ना उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के इक्वल हो जाए जिससे कोई प्रॉब्लम ना आए ठीक है तो उसका भी मतलब उसको भी मेंटेन करने का काम करती है कंडक्टिंग जोन ठीक है एक्सचेंज पार्ट भाई एक्सचेंज पार्ट का मतलब है रेस्पिरेटरी जोन एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन भाई यहां पर क्या होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस डिफ्यूजन ऑफ गैसेस या मेन पार्ट है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ठीक है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन एयर ब्लड और पार्टिसिपेट करती है रेस्पायरेटरी जोन कोई डाउट आगे बढ़ते हैं द लंग्स आर सिचुएटेड इन लंग्स कहां होते हैं एक टाइट चैम्बर में होते हैं क्या बोलते हैं चैम्बर बोलते हैं ठीक है

ठीक है इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग्स कैविटी इस एमिकल स्ट्रक्चर में जो भी अगर जो भी इसमें चेंज होगा उससे वॉल्यूम में चेंज होगा सिंपल सी बात है और वॉल्यूम में चेंज होगा तो प्रेशर में चेंज होगा ठीक है और अगर आपने आपनेटोमिकल सेटअप बिगाड़ दिया तो थोरेसिक चेंबर का जो मैकेनिज्म है वो नहीं है, पॉसिबल नहीं है ठीक है मतलब ब्रीदिंग का मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं है ठीक है जमेंट इज असेंशियल फॉर ब्रीदिंग अगर यह अरेंजमेंट नहीं मिला तो ब्रीदिंग पॉसिबल नहीं है वी कैन नॉट डायरेक्टली वॉल्यूम हम अपने लंग्स के पलमोनरी के वॉल्यूम को बिनाजमेंट के इस एनाटोमिकल अरेजमेंट के चेंज नहीं कर सकते समझ रहे हो क्या है वेंटर साइड पर स्टर्नम डॉर्सल साइड पर वर्टिवल कॉलम लेटर साइड पर रिप्स और लोअर साइड पर डॉमशेप डायफ्रॉम डॉम्सेप मतलब गुम्मदाकार

जिसमें डिफ्यूजन ऑफ गैसेज हो रहा है ठीक है किस किस बीच में हो रहा है एटमोस्फेर एयर ठीक है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में हो रहा है ठीक है 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 फिर फिर आ जाओ डिफ्यूजन डिफ्यूजन ऑफ ऑफ सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है? हो रहा रहा एलवलर मैमब्रेन के बीच में फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज हो रहा है फिर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू अब टिश्यू के अंदर इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया फाइनली क्या होगा यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल जिसमें क्या होगा कैटाबॉलिक रिएक्शन होगी ब्रेकडाउन होगा इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज फैटी एसिड रिजल्ट में क्या बनेगा सीओ टू बनेगी ठीक है आप समझ रहे हो इसको हम क्या बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पायरेशन बोलते हैं जो हम बॉटरी में बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं चैप्टर में तो ये मेकेजम ये सारे स्टेप इन पे सिक्वेंस पर क्वेश्चन आता है सिक्वेंस मत भूल रहे इनकी पहले क्या होगा सेकंड क्या होगा थर्ड क्या होगा फोर्थ क्या होगा फिफ्थ क्या होगा और इस सिक्वेंस को ही मैंने थ्योरी में एक साथ एक डायग्रामेटिकली पैटर्न में कराया था ठीक है

पार्शियल प्रेशर को एयर के पार्शियल प्रेशर को चेंज कर सकते हैं क्यों क्योंकि अगर आप इस कैविटी में जिसमें लंग्स होते हैं उसके वॉल्यूम को चेंज कर दो उसके वॉल्यूम को चेंज कर दो तो वॉल्यूम के चेंज होने से क्या होगा प्रेशर में चेंज होगा और अगर प्रेशर में चेंज होगा तो सीधी सी बात है एयर का इनहिल और एक्सहेल यानी एयर का मूवमेंट हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर होगा क्लियर बिल्कुल अच्छा वॉल्यूम में चेंज कैसे कर सकते हैं तो वॉल्यूम चेंज करने के लिए टू टाइप के मसल्स होते हैं एक तो इंटरकोस्टल मसल्स जो के बीच में होते हैं ठीक है और एक मसल्स और डायफ्रोम ठीक है मेनली दो दो इंटरकोस्टल मसल्स टाइप के होते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और मसल्स तो अलग टाइप से यूज होते हैं डायफ्रो मसल डायफ्रोमस और इंटरकोस्टल मसल्स के अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन क्योंकि दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है रिलैक्स करते हैं वॉल्यूम घटता है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वॉल्यूम बढ़ता है रिलैक्स करते हैं तो वॉल्यूम घटता है तो इस मैकेनिज्म के थ्रू ठीक है आप कह सकते हो कि वॉल्यूम चेंज होगा वॉल्यूम की वजह से प्रेशर चेंज होगा प्रेशर की वजह से एयर का मूवमेंट इन एंड आउट होगा इसी को ब्रीदिंग बोलते हैं तो ब्रीदिंग इन्वॉल्व टू स्टेज भाई इसमें दो बातें होंगी पहले एयर का बाहर से अंदर आना इसको इंस्पायरेशन बोलते हैं और एयर का अंदर से बाहर जाना इसको एक्सपायरेशन बोलते हैं बाय द एलवर एयर इज रिलीज आउट क्लियर बिल्कुल द मूवमेंट ऑफ एयर इन टू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बायोग क्या हम कर रहे हैं प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप कर रहे हैं बिटवीन लंग्स एंड एटमोसफियर प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड एटमोसफियर क्योंकि एयर का मूवमेंट हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शल प्रेशर होता है इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स लंग्स के अंदर जो प्रेशर होगा क्या टर्म यूज करेंगे इसके लिए उसके लिए टर्म यूज करेंगे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन प्रेशर ठीक है समझना मेरी बात से लंग्स है ठीक है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ठीक है अगर एटमोस्फेयर प्रेशर ज्यादा होगा अंदर प्रेशर कम होगा तो बाहर से एयर कहाँ जाएगी भाई यहां प्रेशर ज्यादा तो प्रेशर एयर हमेशा हाई पार्शल प्रेशर टू लो पार्शल प्रेशर हाई पार्शल प्रेशर टू लो पार्शल प्रेशर अपने आप मूव कर जाएगी अंदर प्रेशर बढ़ा दोगे बाहर से तो एयर ऑटोमेटिकली अंदर से बाहर आ जाएगी यानी सारा खेल है हाई पार्शल प्रेशर टू लो पार्शल प्रेशर ठीक है एयर का मूवमेंट हमेशा हाई पार्शल प्रेशर टू लो पार्शल प्रेशर होता है एयर फ्लो हाई पार्शल प्रेशर टू लो पार्शल प्रेशर ऑलवेज ठीक है लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर देर हाँ आप ठीक है इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अंदर प्रेशर अगर कम होगा तो अंदर बोलते हैं भाई प्रेशर कम है ठीक है अंदर अगर लो प्रेशर होगा तो उसको नेगेटिव प्रेशर बोलेंगे ठीक है हमेशा पॉजिटिव प्रेशर प्रेशर टू नेगेटिव ऐसे भी कह सकते हो हमेशा एयर का मूवमेंट पॉजिटिव प्रेशर टू नेगेटिव प्रेशर होता है ठीक है नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं होगा नेगेटिव का मतलब है सकिंग खींच रही है वो नीचे ठीक है और वो कब होगा जब अंदर का ठीक है वॉल्यूम ज्यादा होगा तब जाकर के प्रेशर कम होगा और बार की एयर अंदर आएगी ठीक है सिमिलरली एक्सप्रेशन टेक प्लेस जब आपको एयर को बाहर निकालना होगा तो उल्टा करना पड़ेगा फिर भाई एटमोस्फेरिक प्रेशर से अंदर के प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा ठीक है द लंग्स विद ठीक है रिस्पेक्ट टू एटमोस्फेरिक प्रेशर द सिमिलरली एक्सप्लेन टेक प्लेस वेन द इंट्रा इंट्रापलरी प्रेशर अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा हाई किससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तब अंदर से बाहर जाएगी जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट अब इस ग्रेडियंट को बनाता कौन है इस ग्रेडियंट को मेंटेन कौन करता है हाई से लो ठीक है समझ रहा हूँ मेरी बात वॉल्यूम को बढ़ा दिया आपने प्रेशर घट गया वॉल्यूम को कम कर दिया प्रेशर बढ़ गया तो ये इंटरकोस्टल मसल्स एक्सटर्नल इंटरनल जो है ना वो वॉल्यूम को हाई और लो करने का काम करते हैं वॉल्यूम और हाई तो और लो होगा तो ऑटोमेटिकली प्रेशर हाई और लो होगा और एयर इन टू आउट और आउट टू इन कंटिन्यू होगी मेरी बात समझ पा रहे हो ना ठीक है है ना और इसमें कौन पार्टिसिपेट करते हैं इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द डायफ्राम विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर अगर मैं इंस्पायरेशन की बात करता हूं तो का इनिशिएशन नंबर वन कौन कॉन्ट्रेक्ट करता है मैंने बताया फिर एक्सटर्नल मसाज कॉन्ट्रेक्ट करते हैं वॉल्यूम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ेगा फाइनली वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर घटेगा प्रेशर घटेगा बाहर की अंदर वॉल्यूम कम होगा प्रेशर बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा अंदर की बाहर बस ये मूवमेंट चलता है ठीक है इस पर फोकस करना है आपको ठीक है इन द एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस ठीक है कल मैंने समझाया भी था आपको अच्छी तरीके से मान लो ये है स्टर्नम डायफ्राम थोड़ा सा स्टर्नम को और बड़ा बना देते हैं समझना ये थोड़ा सा चैम्बर ये थोड़ा सा एक चैम्बर है ठीक है इस से चैंबर में और रेप्स की अगर मैं बात करूं तो रेप्स भी दिखा देते हैं भाई और रेप्स के बीच में कौन होंगे इंटरकोस्टल मसल्स समझना ठीक है जब डायफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रेक्ट करेंगे तो डायफ्राम क्या हो जाएगा फ्लैट नहीं हो जाएगा डायफ्राम फ्लैट हो गया डायफ्राम फ्लैट हो गया तो वॉल्यूम किस एक्सेस में बढ़ेगा डायफ्राम फ्लैट हो गया तो वॉल्यूम बढ़ेगा भाई ये ऊपर एंटीरियर है तो नीचे थिक पोस्टीरियर है तो वॉल्यूम इंक्रीज इन वॉल्यूम इंक्रीज इन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सेस समझ गए और जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रेक्ट करेंगे ये ऊपर आ गए ये ऊपर आ गए इनके कॉन्ट्रेक्ट करने पर रिप्स ऊपर जाएंगे और रिप्स ऊपर जाएंगे तो नो no डाउट भी तो ऊपर जाएगा जब रिप्स ऊपर जाएंगे तो स्टरनम भी ऊपर जाएगा और इसकी वजह से ये पूरा का पूरा वॉल्यूम इंक्रीज होगा ये हो गया तो ये वॉल्यूम किस एक्सेस में इंक्रीज हुआ ये वॉल्यूम इंक्रीज होता है बेटा वॉल्यूम इंक्रीज इन डॉसो सॉरी के वेंट्रल हाँ, एक्सिस मैंने थ्योरी में कराया भी था कि भाई रिप्स वेंट्रल साइड पर जुड़े हुए हैं से और डोर्सल साइड पर जुड़े हुए हैं वर्ट्रल कॉलम से तो रिप्स ऊपर और नीचे इस तरीके से हो रहे हैं लाइक अ बकेट हैंडल ठीक है तो इनका अप एंड डाउन जो हो रहा है वेंट्रल और डॉर्सल एक्सिस में

तो इसकी वजह से लिफ्ट भाई लिफ्ट अप क्या क्या हो रहा है इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम इन डॉट्स ऑफ एंटरल एक्सेस क्लियर है बिल्कुल तो अब इतना क्लियर हो गया कि डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो डायफ्राम बिकम फ्लैट इंक्रीज वॉल्यूम इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस फिर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज इन डॉर्सो वेंट्रल एक्सेस जिसकी वजह से स्टर्नम और लिफ्ट क्या होते हैं स्टर्नम और रिप्स लिफ्ट अप होते हैं एनसीआर कवरों की ठीक है और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा ओवरऑल वॉल्यूम क्या हो जाएगा दोनों की वजह से इंक्रीज होगा वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होगा प्रेशर डिक्रीज होगा ओवरऑल इंक्रीज द वॉल्यूम कॉज द सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम एक ही बात है ठीक है एंड इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम जिसकी वजह से क्या होगा डिक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर वो कम हो जाएगा उससे कम होते ही भाई अंदर प्रेशर कम हो गया एटमोसफिर एयर क्या करेगी फोर्सफुली अंदर एंटर कर जाएगी ठीक है एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव एयर आउटसाइड टू मूव इन टू लंग्स अंदर आ जाएगी उल्टा कर दो ठीक है इंस्पायरेशन इसको क्या बोलते हैं इंस्पायरेशन बोलते हैं उल्टा कर दो एक्सपायरेशन में अगर दोनों ही मसल्स को आप रिलैक्सेशन करा दो रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम इंटरकोस्टल मसल्स ठीक है तो ये दोनों अपनी रिटर्न अपनी जगह पहुंच जाएंगे नॉन पोजीशन पर आ जाएंगे इससे क्या होगा वॉल्यूम कम हो जाएगा रिड्यूस हो थोड़ा सा वॉल्यूम वॉल्यूम कम होने से क्या होगा पल्मोनरी वॉल्यूम कम होने से क्या होगा प्रेशर बढ़ जाएगा प्रेशर बढ़ जाएगा दिस लीड टू इंक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर और प्रेशर बढ़ते ही एयर क्या करेगी अंदर से बाहर इसकी वजह से क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर क्या करेगी एयर फ्रॉम द लंग्स टू आउट चली जाएगी इसको बोलते हैं एक्सपायरेशन इन दोनों बातों को एनसीआरटी ने डायग्रामेटिकली भी दिखाया है, है? है। ना मेरी बात रिप्स उठ रहे हैं डायफ्राम फ्लैट हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो फ्लैट हो रहा है फ्लैट ये उठ रहे हैं ये उठ रहे हैं डायफ्राम नीचे जा रहा है डायफ्राम जब नीचे जा रहा है तो वॉल्यूम किस एक्सेस में एंटीरियो सॉरी हा एंटीरियो पोस्टिंग एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ रहा है इसकी वजह से वॉल्यूम कहां बढ़ रहा है डॉट वेंट्रल एक्सिस में बढ़ रहा है। Finally, volume बढ़ रहा 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 है 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 फाइनली फाइनली वॉल्यूम वॉल्यूम थोड़े से क्या हो इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से एयर कहा आएगी अंदर आएगी इसको क्या बोलते हैं इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन देखो ठीक है स्टर्नम और रिफ्स डाउनवर्ड हो रहे हैं डायफ्राम अपनी जगह जा रहा है शेप हो रहा है डायफ्राम शेप हो रहा है वॉल्यूम कम हो रहा है ओवरऑल वॉल्यूम कम हो रहा है प्रेशर बढ़ रहा है प्रेशर बढ़ने से एयर बाहर जाएगी इसको इंक्रीज प्रेशर बढ़ेगा और यहां पर क्या होगा वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा भाई वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर कम होगा ठीक है, वॉल्यूम घटेगा प्रेशर बढ़ेगा बस सिंपल सी बात है एयर अंदर से बाहर हो जाएगी वी एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ इंस्पायरेशन एक्सपायन हमारे पास एबिलिटी है अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ाने की इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ को और इंक्रीज करने की एबिलिटी है पर इस एबिलिटी के लिए हम दो अलग से मसल्स यूज करते हैं हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन दोमिन ठीक है ऑन एन एवरेज हेल्दी हो एडिशनल मसल्स कौन से हैं इसके लिए एडिशनल मसल्स मसल्स ठीक है इनको मदद करके जैसे कपालवाती नहीं करते हैं, तो इन एडिशनल मसल्स को यूज करके हम वॉल्यूम को और रिड्यूस कर सकते हैं ईयर को और बाहर रिलीज कर सकते हैं ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपाइशन तो एबडोम मसल्स यूज करते हैं भाई एक

ईसीजी की भी होती है क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस फैग्नोमेनोमीटर की भी होती है जिससे प्रेशर नापते हैं ठीक है तो इन सब की क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है यानी हम क्लिनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इससे कि बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है समझे या नहीं समझे ओके okay? तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग तक एकदम क्लियर हुआ होगा एक एक चीज हाँ अब ध्यान रखना इससे तो एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हर साल आता है हर साल आ ही जाता है ठीक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी ठीक है तो मैंने चार वॉल्यूम बताए थे आपको एक तो टाइडल वॉल्यूम भैया 500 ले रहे हो 500 निकाल रहे हो 500 ले रहे हो 500 निकाल रहे हो ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन इसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर विच इंस्पायर एंड एक्सपायर इंस्पायर एंड एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग इसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं ठीक है अब टाइडल ले लिया आपने

वो इंस्पायरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइटल जितना आप निकाल पा रहे हो वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है क्लियर है टीवी इट इज अप्रोक्सीमेटली कितना फाइव हंड्रेड एम एल होता है ठीक है थीके? अगर मैं एक हेल्दी ह्यूमन की बात करता हूं इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन तो पल्मोनरी वेंटिलेशन इक्वल टू क्या होता है रेट ऑफ ब्रीदिंग रेट ऑफ ब्रीथिंग इन टू टाइटल वॉल्यूम मैं आपसे पूछू कि एक ह्यूमन की रेट क्या होती है परमिनट अभी बताया था रेट ऑफ ब्रीथिंग बारह से सोलह बार रेट ऑफ ब्रीथिंग कितनी होती है ट्वेल्व टू सिक्सटीन टाइम पर मिनट इन टू टीवी कितना होता है भाई एक बार ब्रीथिंग में कितनी ईयर ले रहे हो निकाल रहे हो भाई टाइटल वॉल्यूम ले रहे हो निकाल रहे हो हर बार ब्रीथिंग में आप पांच सौ एम एल लेते हो पांच सौ एम एल निकालते हो ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन एक मिनट में कितने बार ले रहे हो निकाल रहे हो बारह से सोलह बार तो ये आपका पल्मोनरी वेंटिलेशन हो गया पल्मोनरी वेंटिलेशन हो गया लगभग कितना आता है हजार से आठ हजार से आठ हजार एम एल पर मिनट आता है साफ साफ दे रखा है एनसीआरटी ने एक हेल्थी के लिए पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है पर मिनट लगभग

लंग्स इवन आफ्टर इवन आफ्टर फोरसेबल एक्सपायरेशन उसके बाद भी नहीं निकाल सकते जो लगभग 1100 सौ से बारह सो एम एल होता है बताइए आपको ठीक है तो चारों वॉल्यूम मैंने बता दिए आपको शॉर्टली समराइज कर देता हूं उस चीज को सबसे पहले मैंने बात की अच्छा जगह कम लेते हैं सबसे पहले मैंने बात की टीबी की कितना होता है 500 सौ फिर बात की मैंने आई आर वी की जो कितना होता है टू से थ्री थाउजेंड फिर मैंने बात की ई आर वी की जो लगभग होता है वन थाउजेंड से इलेवन हंड्रेड एम एल और इसके बाद फाइनली मैंने बात की थी रेजिडुअल वॉल्यूम ग्यारह सौ से लेकर के बारह सौ एम एल ये चार वॉल्यूम आपको याद है ठीक है अगर चार वॉल्यूम याद हैं तो इन चार वॉल्यूम के बेस पर हम सारी कैपेसिटी चुटकियों में कर सकते हैं कैसे अब आपसे कहा जाए

सर मैं टीवी ले सकता हूं प्लस आई आर वी ले सकता हूं और कुछ भी नहीं ले सकता ये मेरी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गई तो टोटल तो वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन समझना इंस्पायरेटरी कैपेसिटी अ टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन समझ रहे हो नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दिया आपने अब कितना वॉल्यूम ऑफ ले सकते हो टाइडल तो निकाल दिया अब आप कितना ले सकते हो सर टाइडल फिर से लूंगा मैं आई आर वी ले लूंगा दोनों को मिला देंगे तो आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गई ठीक है टीवी प्लस आई आर वी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होगी इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विश फोर्सफुली या कह सकते हो सॉरी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इसमें क्या क्या निकाल सकते हो नॉर्मल रहती हुई सर टी वी निकाल सकते हो और ई आर भी निकाल सकते हो इसके अलावा तो कुछ निकाल ही नहीं सकते रेजिडुअल तो रहता ही है ना ये आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो गई है

कैपेसिटी फंक्शनल का मतलब है ब्रीथिंग करते हुए टाइडल ले रहे हो टाइडल निकाल रहे हो टाइडल ले रहे हो टाइडल निकाल रहे हो पाँच सौ ले रहे हो पाँच सौ निकाल रहे हो ठीक है यानी आप इतने में काम चला रहे हो आप कितनी एयर को लंग्स में रोक सकते हो सर टाइडल के अलावा हम टाइडल ही निकाल रहे हैं ई आर बी नहीं निकाल रहे आरबी तो निकाल ही नहीं सकते लंग्स में रहती है तो ई आर बी और आरबी दोनों आपके लंग्स में रहेंगे अगर आप टाइडल से ही इन एंड आउट कर रहे हो तो आपकी लंग्स में एयर को होल्ड करने की मैग्जिम कैपेसिटी नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए कितनी है आप कहते प्लस रेजिडोल वॉल्यूम या आपकी फंक्शनल रेजिडोल कैपेसिटी एफ आर आर सी इज इक्वल टू ई वी प्लस आपकी फंक्शनल कैपेसिटी है फंक्शनल का मतलब है टाइडल ले रहे हो टाइडल निकाल रहे हो ई आरबी नहीं निकाल रहे और आरबी तो लंग्स में रहती ही है तो ये दोनों एयर आपके लंग्स में रह सकती हैं होल्ड करने की कैपेसिटी रेजिडुअल कैपेसिटी ठीक है नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए ठीक मतलब है, है, कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन आपने सब कुछ निकाल दिया आप कितना मैक्सिमम ले सकते हो तो पहले ई ER लोगे फिर आरबी ER लोगे फिर आई आर भी लोगे तीन दिन तो लोग ले पाओगे तो ये आपकी वाइटल कैपेसिटी होगी या सारा आपने निकाल दिया कितना ले सकते हो सारा ले लिया कितना मैक्सिमम निकाल सकते हो तो तीन ही को तो निकालोगे इसको वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं वीसी वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू टीवी प्लस ई आर वी प्लस आई आर वी तीनों को जोड़ दो ये आपकी वाइटल कैपेसिटी है और टोटल लंग कैपेसिटी चारों को जोड़ दो भाई टी एलसी टोटल लंग कैपेसिटी टोटलिटी टीवी प्लस प्लस आई प्लस आर रेजिडुअल को भी जोड़ दो उसके अंदर या ऐसे भी कह सकते हो इन तीनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम ये बात है ऐसे जोड़ दो ऐसे बोल दो ये आपकी टोटल लंग कैपेसिटी हो गई तो ये सारी कैपेसिटी हो गई वो वॉल्यूम्स हो गए ठीक है एनसीआर की लाइन टू लाइन हम टिप्स पर फिंगर टिप्स पर लगाते जा रहे हैं आपके ठीक है आप बस ध्यान से देखते जाओ हर चीज़ एकदम में सेट होती जाएगी ओके चलो अब बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस भाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो जगह होता है एक तो लंग्स भाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस की अगर मैं साइट की बात करता हूं साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां, कहां साइट क्या क्या है पहली साइट क्या है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की लंग्स एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दूसरी साइट क्या है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की दूसरी साइड क्या है आपकी आप बोलोगे सर टिश्यू और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं ठीक है लंग्स और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू और ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली आपको उस तरीके से क्वेश्चन मिलने वाले हैं समझे या नहीं समझे ठीक है चलो आ जाओ ये दो साइट हो गई ठीक है अच्छा डायग्रामेटिकली समझाता हूँ फिर थ्योरी पर आता हूं ठीक है साइट कहाज यहां एक्सचेंज हो रहा है यहां एक्सचेंज हो रहा है ये दो साइट हैं जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है ठीक है अब यहां एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्यों हो रहा है मेन कॉज क्या है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का ठीक है मेन कारण क्या है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का बात करते हैं इसकी ठीक है एक मिनट रुको देखो हम बात कर रहे थे यहां पर इंस्पायरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेज ये तो क्लियर हो गया ना साइड कितने हैं दो साइड है हमारे पास लंग्स और डिऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है क्लियर है बिल्कुल ठीक अब हम बात करते हैं इसके प्रेशर सारा खेल है यहां पर पार्शियल प्रेशर का तो मैंने बताया भी था जो एटमोस्फरिक गैसेस हैं इसमें ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ टू ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा वन फाइव नाइन और सीओ टू का पार्शियल प्रेशर होगा ठीक है जीरो पॉइंट थ्री एम एम एच जी ये वो एयर है जो आप क्या कर रहे हो उसको इंस्पायर कर रहे हो अंदर आते ही ये पार्शल प्रेशर चेंज हो जाएगा ऑक्सीजन का वन जीरो अगेन एक्सचेंज हो रहा है आफ्टर एक्सचेंज आफ्टर एक्सचेंज पल्मोनरी वेन और सिस्टेमिक आर्टरी इनके अंदर सेम पार्शल हो प्रेशर होगा पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शल प्रेशर ऑफ सीओ टू ऐसे ही ध्यान रखना है पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टमिक वेन के अंदर भी पार्शियल प्रेशर इन दोनों ही गैसेस का सेम होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू सेम का मतलब हम बात कर रहे हैं पे इनकी नहीं इन दोनों की बात कर रहे हैं ठीक है तो आप समझने की कोशिश करना जैसे क्वेश्चन आते हैं हाँ तो ये एंटर करती है परम एम जी यहां के वन जीरो फोर और यहां आते ही ये पार्शियल प्रेशर हो जाएगा नाइनटी फाइव एम जी और सीधा मेंटर करेंगे यहां से कहां पर ये आगे अच्छा ये यहीं दे दिया कोई दिक्कत नहीं ठीक है यहां बात करेंगे टिश्यू के अंदर तो टिश्यू के अंदर का जो पार्शियल प्रेशर है बॉडी टिश्यू के अंदर का पार्शियल प्रेशर यहां मेंशन कर दिया है तो टिश्यू के अंदर हम पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं तो सीओ टू का कितना होगा सीओ टू का बन रही है तो फोर्टी फाइव होगा ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है इसलिए फोर्टी होगा और यह हमने बताई दिया नाइनटी फाइव है CO2 का 40 है क्योंकि तो ब्लड कैसा है ऑक्सीजनेटेड तो आपको पता है हाई पार्शल प्रेशर से लो पार्शल प्रेशर हाई पार्शल प्रेशर से लो पार्शल प्रेशर हो गया डिफ्यूजन सिंपल चलो तो आप समझ रहे हो ना 159 से 104 से 95 से सीधा हम आ जाएंगे यहां पर 95 से बस 95 से सीधे 40 तो अगर सिक्वेंस लिखते हैं हम इसके पार्शियल प्रेशर के चेंज की कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पार्शियल प्रेशर में चेंज आता जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहां कहां से से चल चल रही है? से चल रही है है बात टिश्यू तक कैसे एटमोसफियर में कितना था वन फाइव नाइन लंग्स में कितना था वन जीरो फोर ऑक्सीजनेट ब्लड में कितना था नाइनटी फाइव और टिश्यू मार कितना रहता फोर्टी ऐसे हम बात करेंगे यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ टू सीओ टू कहां से टिश्यू से बनती है CO2 टू तो टिश्यू से हम बात करेंगे एटमोस्फियर के अंदर आप वापस आ रहे हैं ठीक है अब सीओ टू की बात कर लेते हैं तो सीओ टू ध्यान रखना है यहां पर कितनी है फोर्टी फाइव भाई यहां सीओ टू कितनी होगी फोर्टी फाइव ऑक्सीजन कितनी होगी फोर्टी कम होगी क्योंकि ब्लड कैसा है ऑक्सीजनेटेड ठीक है यहां ब्लड ऑक्सीजनेटेड है तो सीओ टू कितनी होगी सही सीओ टू ऑक्सीजन लिख दिया मैंने कोई नहीं सीओ टू तो सीओ टू कितनी होगी यहाँ पर सीओ टू कम होगी ओनली फोर्टी होगी यहाँ पर ठीक है यहां से घूम के वापस और ये एक्सपायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर की बात करते हैं तो यहां ध्यान रखना आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ टू कितना होगा ऑक्सीजन जो बाहर निकाल रहे हो वन वन सिक्स होता है और सीओ जो बाहर निकाल रहे हो थर्टी टू एम होता है जो बाहर निकाल रहे हो ठीक है तो अब CO2 टू की बात करते हैं तो फोर्टी फाइव टिश्यू में कितनी फोर्टी फाइव डी ऑक्सीज ब्लड में लिख दो फोर्टी फाइव चाहे वो सिस्टमिक वेन हो या पल्मोनरी आर्टरी हो ठीक है फिर लंग्स में आके कितना रह जाएगा लंग्स में आके रह जाएगा ये फोर्टी और जो एयर बाहर निकाल रहे हैं उसमें कितना होगा उसमें होगा थर्टी टू और एटमोस्फियर में कितना होता है जीरो पॉइंट थ्री एम एम एच जी एम एम एच जी आप बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट शाउट है जो सिक्वेंस समझ में आई वो एनसीईआरटी ने यहां पर डेटा दे रखा है आप थ्योरी देख लेते हैं एनसीईआरटी की एनसीईआरटी क्या करिए एल वाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिल्कुल ठीक है इट इज द प्राइमरी साइट गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर बिटवीन और कहां होता है इसके अलावा भाई ब्लड और टिश्यू के बीच में भी होता है दो साइड बताई है हमने ऑक्सीजन टू आर एक्सचेंज इन दीस साइट बाय सिंपल डिफ्यूजन ये ध्यान रखना है जब भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा सिंपल डिफ्यूजन ठीक है ऑलवेज सिंपल सिंपल डिफ्यूजन ऑलवेज सिंपल

एनसीआर टी का ये क्लियर है क्वेश्चन सारा सारा आपका यहां से सॉल्व हो जाएगा एनसीआर में खासा नहीं है क्वेश्चन जैसा आता है वो मैंने क्लियर करा दिया है अब आ जाओ अ ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर इन द अपोजिट डायरेक्शन यानी फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वलाय भाई ऑक्सीजन वहां से नीचे आ रही है तो सीओ टू अपोजिट डायरेक्शन में अंदर से बाहर जा रही है एज द सोलिबिलिटी ऑफ सीओ टू अगर मैं सीओ टू की सोलिबिलिटी की बात करता हूं तो ध्यान रखना 20 से लेकर ट्वेंटी सीओ टू का डिफ्यूजन रेट ऑक्सीजन ज्यादा होता है सीओ टू प्लाज्मा के थ्रू ज्यादा ट्रांसपोर्ट होती है क्योंकि उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा है भाई प्लाज्मा के थ्रो सीओ टू जो ट्रांसपोर्ट होती है सेवेंटी सेवन परसेंट जबकि ऑक्सीजन प्लाज्मा के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होती है ओनली और ओनली टू टू थ्री परसेंट इसका इफेक्ट किसकी वजह से ड्यू टू सोल्यूबिलिटी समझ रहे हो तो so, CO2 की सॉल्युबिलिटी की अगर बात करते हैं ना तो ठीक है उसकी सॉल्युबिलिटी 22 25 टाइम हायर होती है कंपैरेटिव ऑक्सीजन क्लियर है बिल्कुल हाँ कंपैरेटिव ऑक्सीजन क्लियर है तो इसीलिए मैंने बोला ना कि CO2 भाई सॉल्युबिलिटी ज्यादा है इसलिए वो प्लाज्मा के थ्रू ज्यादा ट्रांसपोर्ट करती है भाई ऑक्सीजन मैंने बताया 223% करती है क्लियर है आगे बढ़ते हैं

सोलिबिलिटियां बहुत बहुत ज्यादा है कंपेरेटिव इसकी इसकी सॉलिबिलिटी क्या है यहां पर सॉलिबिलिटी कम है सॉलिबिलिटी कम है सोलिबिलिटी पार्शियल प्रेशर कम है पार्शल प्रेशर ज्यादा पर फिर भी पर यूनिट वॉल्यूम सीओ टू के ट्रांसपोर्ट होने की दर ज्यादा होती है द अमाउंट ऑफ सीओ टू देन कैन डिफ्यूज थ्रो द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस पर यूनिट डिफरेंस ठीक है इन पार्शल प्रेशर इज जन यह ध्यान रखना है आपको द डिफ्यूजन मैम्रीन मेडअप ऑफ डिफ्यूजन मैम्रीन से बने होते हैं ठीक है तीनों मैंने बताए थे भाई पहली लेयर क्या होगी? इस alveolar cavity की अपनी खुद की सिंपल स्कैमस एपीथिलियल टिश्यू क्लियर है बिल्कुल दूसरी लेयर क्या होगी भाई दूसरी एंडोथिलियम और ब्लड कैपलरी और दोनों के बीच में क्या है बेसमेंट सबस्टेंस इन तीन के मिलने से बनती है या डिफ्यूजन है जहां से गैसेस का एक्सचेंज या डिफ्यूजन हो रहा है बिल्कुल ठीक है और इसके अलावा क्या हो गया एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर एंडोथिलियम इन बिटवीन दैम ठीक है तो अब ध्यान रखना ये बच्चे पूछते हैं फिर से मैं बोल दे रहा बोलते रहियम

फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एलव टू टिश्यू एनसी तक तो कोई डाउट शाउट नहीं होना चाहिए ठीक है अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात कर लेते हैं अभी बताया है मैंने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन तो का ट्रांसपोर्ट ध्यान रखना है दो फॉर्म में होगा भाई टू टू थ्री परसेंट प्लाज्मा के थ्रू नाइन्टी सेवन से नाइनटी एट परसेंट देखोगे तो ब्लड आरबीसी के थ्रू ड्यू टू सॉलिबिलिटी भाई सॉलिबिलिटी कम है इसकी इसलिए प्लाज्मा के थ्रू कम जाती है ठीक है ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन सीओ टू अबाउट नाइनटी सेवन परसेंट ऑक्सीजन जो होती है किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है आरबीसी के थ्रू द मेम्ब्रेन द रिमेनिंग थ्री परसेंट बच्ची हुई तीन परसेंट किसके थ्रू हो रही है ये प्लाज्मा के थ्रू हो रही है डिजॉल्व स्टेट थ्रो द प्लास्मा नियरली ऐसा क्यों हो रहा है इसलिए नियरली ट्वेंटी से ट्वेंटी अगर सीओ टू की बात करते हैं तो सीओ टू मैंने बता दिया है सीओ टू की सोलिबिलिटी ज्यादा होती है इसलिए सीओ टू ध्यान रखना है आपको ट्वेंटी थ्री परसेंट या ट्वेंटी थ्री से ट्वेंटी फाइव परसेंट आर डीसी के थ्रू करती है जबकि अप्रोक्सीमेटली सेवेंटी सेवन परसेंट के आसपास प्लाज्मा के थ्रो करती है क्लियर है इस 77 परसेंट में भी मैंने बताया था CO2 की फॉर्म में डायरेक्टली 7 परसेंट और NaHCO3 की फॉर्म में अप्रोक्सीमेटली 7 परसेंट सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ये याद रखना है आपको ठीक है ट्रांसपोर्ट बाय आरबीसी वेर एज सेवेंटी परसेंट 70 परसेंट सीओ टू थ्रो हो रही है प्लाज्मा के थ्रू हो रही है बाई कार्बोनेट की फॉर्म में हो रही है मैंने पूरा सोडियम बाइकार्बोनेट लिख दिया है इसको ऐसे भी पूछ सकता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट या एच सी आइंस पूछेगा तो एस थ्री और वैसे पूछेगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट अबाउट सेवन परसेंट सीओ टू होती है वो डिजोल्व स्टेट में होती है ये सारा मैंने दिया। से मिल जाएगा. अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में एनसीईआरटी ने सबसे पहले कंटेनिंग रेड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स होते होते हैं हैं हमें पता ही है प्रेजेंट इन आरबीसी आरबीसी जो RVC के अंदर कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन कार्बन ठीक है कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग इिवर्सिबल पैटर्न में होती है और क्या बनाती है ऑक्सीजन बाइंड करके ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ कितने

डिसोसिएशन कर्व ठीक है चलो एंड द हाईली यूजफुल इन द स्टडिंग द फैक्टर इफेक्ट स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ एटसेट्रा इनकी स्टडी करने में इस कर्व का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जैसे मैंने बताया था ये कर्व राइट शिफ्ट भी हो सकता है ये कर्व लेफ्ट शिफ्ट भी हो सकता है समझ रहे हो राइट और लेफ्ट शिफ्टिंग किस पर डिपेंड करती है फैक्टर पर मैंने बताया था भाई राइट शिफ्ट हो रहा है तो राइट शिफ्ट कब करेगा जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाए पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ टू सीओ टू बढ़ जाए पीएच कम हो जाए समझ ना मेरी बात एच आइन कंसेंट्रेशन बढ़ जाए बस वही बात कर रहे हैं यहां पर ठीक है एच किस पे फैक्टर लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ टू एच आइन कंसेंट्रेशन एटसेट्रा बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन ठीक है इन द एल्वलाई वेयर वही एल्वलाई की बात करते हैं तो वहां क्या होगा वेयर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा सीओ टू कम होगी एच एन कंसेंट्रेशन कम होगी लोअर टेम्परेचर होगा फैक्टर आर फेवरेबल हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन ठीक है इस केस में क्या होगा कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट होगा जब फेवरेबल फैक्टर होंगे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है ज्यादा है

सीओ टू ज्यादा होगी जहां सीओ टू ज्यादा होगी वहां एच आई हाँ कंसेंट्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी ठीक है और एच एन कंसन बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली पी एच कम हो जाएगी अनफेवरेबल कंडीशन फेवरेबल कंडीशन ठीक है एज टिश्यू टिश्यू के पास क्या होगा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा क्योंकि यूटिलाइज हो रही है सीओ टू बन रही है इसलिए ज्यादा होगी सीओ टू ज्यादा होगी इसलिए एच हाँ आईन भी ज्यादा होंगे ठीक है और वहां टेम्परेचर नॉर्मल से हायर होगा क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही है कंडीशन आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन यानी राइट शिफ्ट की जब भी बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा एच बी ओ टू का डिसोशिएशन होगा डिसोसिएशन होगा हाँ, लेफ्ट साइड क्या होगा एच बी ओ टू का एसोसिएशन होगा एच बी ओ टू का यानी जुड़ेंगे वहां टूटेंगे यहां पर पैचअप होगा वहां पर ब्रेकअप होगा ठीक है ऑफ ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन दिस क्लियरली इंडिकेट दैट ऑक्सीजन गेट बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस भाई वहां पर बाइंड करेगी और डिसोसिएट हो जाएगी टिश्यू के पास जाकर के और एवरी हंड्रेड एम ये ध्यान रखना है एवरी हंड्रेड एम एल ऑक्सीजनेटेड ब्लड लगभग कितना ऑक्सीजन डिलीवर करता है टिश्यू को 5 एम अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन ये 515 भी हो सकता है अगर एक्सरसाइज वाला केस होगा तो 5 की जगह 15 हो जाएगा क्लियर है बिल्कुल अब ट्रांसपोर्ट ऑफ सीओ टू की बात कर लेते हैं सीओ टू इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन भाई हीमोग्लोबिन के संग जुड़ करके क्या बनाता है

नियर द टिश्यू ये मैकेनिज्म होगी आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मेजर फैक्टर विच कुड इफेक्ट दिस बाइंडिंग जब भी एच ओ टू आएगी तो एच ओ टू के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भाई मेन तो यही है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मेजर फैक्टर जो सीओ टू बाइंडिंग मेजर फैक्टर विच कुड इफेक्ट दिस बाइंडिंग समझ रहे हो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो वहां HbO2 टू का एसोसिएशन नहीं हो पाएगा डिसोसिएशन होगा हाँ जहां ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा वहां एच बी टू की बाइंडिंग हो पाएगी भाई ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लंग्स में ज्यादा होता है इसलिए वहां पर एच बी सीओ टू की बाइंडिंग नहीं होती एसोसिएशन नहीं होता डिसोसिएशन होता है हाँ टिश्यू के पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है इसलिए वहां पर एच बी ओ टू का एच बी सीओ टू का बाइंडिंग होता है मतलब association होता है। HbCO2 की बाइंडिंग ऑक्सीम कार्बन आइनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन किस पर डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में डिपेंड करता है जहां ज्यादा होगा वहां एसोसिएशन नहीं होगा जहां कम होगा वहां पर एसोसिएशन होगा जहां ज्यादा होगा वहां डिसोसिएशन हो जाएगा सिंपल ठीक है

ठीक है उंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम टिश्यू फ्रॉम द टिश्यू इज डिलेवर टू द ये टिश्यू से निकलती है वेरी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम कौन सा एंजाइम कार्बाइनो कार्बोनिक एनहाइड्रेज आरबीसी में तो होता ही है <coughs> पर कार्बोनिक एन हाइड्रेज ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा ठीक है माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ द ऑफ द सेम इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा क्या काम करता है रिएक्शन रिएक्शन ये reaction बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना ठीक है मैंने बताया था जब आप ऐसे मूव करोगे ऐसे मूव करोगे ऐसे तो ये केस कहां का होगा टिश्यू का जब आप ऐसे मूव करोगे तो किस किसका कहां का अलग कहा होगा लंग्स ठीक है क्योंकि टिश्यू के अंदर क्या होता है सीओ टू एच टू कार्बोनिक्री एच सी में HbO2 का हो जाता है। फिर जब लंग्स के पास पहुंचते हैं तो रिएक्शन उल्टी होगी लंग्स के पास ये बाहर से अंदर आते हैं एच एन से मिलते हैं एच टू सी थ्री बनाते हैं अगेन सी ओ टू एच टू में कन्वर्ट होते हैं सीओ टू लंग्स से बाहर निकल जाती है याद आया पूरी रिएक्शन तो ऐसे चलोगे तो टिश्यू ऐसे चलोगे तो लंग्स ठीक है ऐसे चलोगे तो यहां क्या क्या हो रहा है एच बी ओ टू का डिसोसिएशन, यहां क्या हो रहा है एच बीट का एसोसिएशन बस ये ध्यान रखना है आपको एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ टू इज हाई ड्यू टू टिश्यू के पास क्या चल रहा है कैटाबोलिज्म चल रहा है तो नो डाउट पार्शियल प्रेशर ऑफ हाई होगा कि बन रहे सीओ टू सीओ टू डिफ्यूज इन टू ब्लड में जाएगा ठीक है ब्लड में आरबीसी में भी जाएगा और प्लाज्मा के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट होगा किसकी फॉर्म में बाई कार्डाइन की फॉर्म में और जो टूट जाएगा Bicarman, की फॉर्म में ठीक है भाई और टू एट द एल साइड वेयर आर सीओ टू लो एल आई के टाइम के पास सीओ टू का लेवल कम होगा ऑक्सीजन का लेवल होगा ज्यादा होगा द प्रोसीड इन अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन हो जाएगी ऐसे और एस से हो जाएगी क्लियर है बिल्कुल भाई टिश्यू के पास का लेवल कम होता है सॉरी ज्यादा होता है और यहां पर सीओ टू का लेवल कम होता है टू फॉर्म सीओ टू टू उल्टी रिएक्शन होगी सीओ टू एच टू बन जाएंगे सीओ टू तो बाहर निकल जाएगी द सीओ टू ट्रैप्ड एज बाई आयन एट टिश्यू लेवल टिश्यू के पास जो टिश्यू ट्रैप होती है बनती है किस फॉर्म में बनती है बाई में एंड ट्रांसपोर्ट टू द इज दिलीज आउट ए निकलती फाइनली CO2 की फॉर्म में पूरी मैकेनिज्म बताई थी मैंने अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एवरी हंड्रेड एम एल अभी मैंने के लिए बताया था अब सीओ टू की बात कर रहा हूं एवरी हंड्रेड एम एल ऑफ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना सीओ टू को डिलीवर करता है लगभग फोर एम एल सीओ टू पर हंड्रेड एम एल ऑफ ब्लड नॉर्मल कंडीशन में पर यही अगर स्ट्रेनस एक्सरसाइज की बात करते हैं तो फोर की जगह हो जाएगा क्योंकि एक्सरसाइज के टाइम पर टिश्यू की एनर्जी एनर्जी रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट बढ़ बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी और तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन बढ़ जाएगा ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा सीओ टू का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा तो सीओ टू की लोडिंग डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा होगी फोर की जगह फोर्टीन हो जाएगी क्लियर चलो अब आ जाओ रेगुलेशन ऑफ एस्पायरेशन अब रेगुलेशन दो तरीके का होता है एक नर्वस रेगुलेशन होता है नर्वस रेगुलेशन होता है और दूसरा मैंने बताया केमिकल रेगुलेशन नर्वस रेगुलेशन के लिए ब्रेन के अंदर होता है मेडुला ऑबलोंगेटा ठीक है और एक वो मेन रेगुलेटिंग सेंटर है इसको हम बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी रिथिम सेंटर जो आप अनकॉन्सियसली ब्रीदिंग कर रहे हो वो एमओ ही करा रहा है जब कॉन्सियस ब्रीदिंग की बात आएगी तो शेरी ब्रह्म की बात आएगी सरीब्रम की बात आएगी कॉन्शियस ब्रीदिंग की बात आएगी इच्छा से आप ब्रीदिंग करते हो तो उसमें इन्वॉल्वमेंट किसका हो जाएगा? ब्रह्म का हो जाएगा जाएगा का इन्वॉल्वमेंट ठीक है जब आपका रेट ऑफ ब्रीदिंग ज्यादा होता है तो इंस्पायरेशन इनहिल आप नहीं कर पाते तुरंत तो बाहर निकाल देते हो ठीक है उस समय ब्रेन का एक पार्ट होता है एमओ के पास पोन्स उसकी वजह से उसकी वजह से रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाता है क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन घट जाता है रिड्यूज हो जाता है चलो इसी की बात कर लेते हैं ह्यूमन सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द न्यूरल सिस्टम अंदर जो भी डिमांड है वो कौन कंट्रोल करता है न्यूरल सिस्टम कंट्रोल करता है स्पेशलाइज सेंटर सिस्टम कहां पर स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला रीजन ठीक है मेडुलर रीजन ऑफ द ब्रेन जिसको हम रेस्पायरेटरी बोलते हैं या मेडो एमओ का वो पार्ट जो रेस्पायरे को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको सेंटर बोलते हैं प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए होता है आप बोलोगे रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग अनेदर सेंटर कौन सा होता है अनेदर सेंटर अनेदर सेंटर प्रेजेंट इन द दोन्स रीजन उसको पोन्स बोलते हैं पोन्स रीजन के अंदर होता है ऑफ़ ब्रेन कॉल्ड निमोटैक्सिक सेंटर इसको निमोटैक्सिक सेंटर बोलेंगे ठीक है? तो अगर नर्वस रेगुलेशन की बात करता हूं तो नर्वस रेगुलेशन में दो बातें ध्यान रखनी है आपको ठीक है एक तो नर्वस रेगुलेशन में दो चीजें ध्यान रखनी है आपको पहली तो आपको ध्यान रखनी है यहां पर ठीक है मेडुला रीजन एक पोन्स रीजन मेटोडो रीजन में इसको बोलते हैं रेस पायरेटरी रेटरी सेंटर और पोन्स रीजन में न्यूमोटैक्सिक सेंटर ठीक है। एक्चुअली मेडोलर रीजन जो होता है ना ये रिथिंग सेंटर जो आप बिना अनकॉन्सियसली आप ठीक है ब्रीथ किए जा रहे हो ना वो यही कंट्रोल कराता कर है एक और ध्यान रखना कॉन्सियस ब्रीदिंग की बात करते हैं कॉन्सियस ब्रीदिंग की या वॉल्ट्री ब्रीदिंग इसके लिए सैरिप्रम इन दोनों के ध्यान रखना ठीक है वॉलेंट्री अन वॉलेंट्री बस क्वेश्चन इतने से बन जाएगा रेगुलेशन से नर्वस रेगुलेशन से ठीक है न्यूमोटेक्सी सेंटर कैन मॉडरेट अगर मैं इसकी बात करता हूं पोस्ट की तो ये मॉडरेट करता है धीमा कर देता है ब्रीदिंग को ठीक है कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पायरेटरी रिथिम सेंटर यानी निमोटैक्सिक सेंटर से सिग्नल जाएगा तो रेट ऑफ ब्रीदिंग स्लो हो जाएगा जैसे मान लो ये तो हमारा सेरिब्रम है सेरिब्रम के नीचे ये ये ऐसे मान लो ये स्पाइनल कॉर्ड चल गई मेडुला ऑबलोंगेटा हो गया यहां पोन्स है निमोटेक्सिक सेंटर ठीक है MO, ये मेडुला है एमओ मेडुला ऑबलोंगेटा ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है ठीक है समझ रहे हो ना मेरी बात ये नॉर्मल ब्रीथिंग कराता है नॉर्मल अगर सिग्नल एमओ से आएगा सिग्नल एमओ से आएगा यहां से सिग्नल आएगा तो नॉर्मल ब्रीथिंग मॉडरेट हो जाएगी सिग्नल यहां से आएगा तो वॉलेंट्री ब्रीथिंग होगी पर कराएगा एमओ ही समझ रहे हो ना न्यूरो सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन अगर मैं बात कर रहा हूं निमोटेक्सिक सेंटर तो निमोटेक्सिक सेंटर ध्यान रखना है वो मॉडरेट करता है धीमा करता है यानी ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन को रिड्यूस कर देता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन को रिड्यूस कर देता है रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन जिसकी वजह से रेस्पायरेटरी रेट इंक्रीज हो जाती है बढ़ जाती है यह हो गया नर्वस रेगुलेशन एक लाइन में खत्म करूं तो नर्वस रेगुलेशन के लिए दो चीजें रिस्पॉन्स मेन तो इसमें एमओ मेडुला मेडुला एक्चुअल में, में रेस्पिरेटरी सेंटर है जो नॉर्मल ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है अनकॉन्सियस इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है ठीक है इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग अन कर दी मैंने इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है ठीक है एमओ पर जब आप दौड़ लगाते हो तो आपका पोन्स एक्टिवेट हो जाता है कम टाइम मतलब के अंदर आप छोटी छोटी ज्यादा ब्रीदिंग करते हो और आपका रेट फास्ट हो जाता है वो निमोटेक्सिक सेंटर की वजह से होता है क्लियर है बिल्कुल जब आप कॉन्सियस ब्रीदिंग करते हो अपनी इच्छा से ले रहे हो निकाल रहे हो तो शरीर का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है क्लियर है अब मैं सेंटर की बात करूं तो ये मॉडरेट करता है धीमा करता है इंस्पायरेशन को इनिल नहीं होने देता स्लो मॉडरेट कर देता है क्लियर है इसकी वजह से ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन कम हो जाता है रेट बढ़ जाता है ये ध्यान रखना है आपको वही मैंने लिख दिया यहां पर अब बात करते हैं कीमो सेंसिटिव एरिया कीमो सेंसिटिव एरिया की अगर मैं बात करूं बेटा कीमो सेंसिटिव एरिया तो इसके लिए कीमो रिसेप्टर्स होते हैं कीमो रिसेप्टर्स किस पर बेस्ड होता है ठीक है रिधि सेंटर जो भाई एक तो रिधिम सेंटर के पास होता है और ध्यान रखना है आपको रिधिम सेंटर के पास का मतलब मेडोला ऑब्लॉन्गेटा के पास वो ठीक है वो कह सकते हो कीमो uh, रिसेप्टर होते हैं सेंट्रल की रिसेप्टर ऐसी पेरिफरल कीमो रिसेप्टर एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी के पास लगे होते हैं दो टाइप के होते हैं पर एनसीआरटी ने भी सेंटर की बात की है ठीक है ठीक है जो सेंसिटिव किसके लिए होते हैं CO2 के लिए होते हैं और H+ के लिए होते हैं ठीक है अगर एक लाइन में कहा जाए कीमो रिसेप्टर दो टाइप के होंगे सेंट्रल और पेरिफेरल बताया था मैंने सेंट्रल पेरी फ्रल सेंट्रल कैप्ट कीमर सेक्टर्स होते हैं कहा होते हैं नियर नियर एमओ एमओ के पास होते हैं ये कहां होते हैं प्रेजेंट इन कैरेट आर्टरी एन एटा ये मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं आपको ठीक है ध्यान रखना क्योंकि एक्चुअल में अगर समझना है तो आपको नोट्स पर जाना पड़ेगा वो डिटेल जो हम नोट्स में कंसेप्ट लेके चलते हैं उस पर क्योंकि एनसीआर थोड़ी कॉम्प्लेक्स है पर यहां हम सिर्फ NCRT की बात कर रहे हैं तो समझ में आ गया और किसके लिए सेंसिटिव होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं सीओ टू के लिए और एच एन ओ के लिए ठीक है सीओ टू एच एन कहां पर सीओ टू एच एन कहां पर ठीक है यहां पर सी एस एफ सरिब्रोस्पाइनल फ्लूड के अंदर और यहां पर ब्लड के अंदर ठीक है अगर ब्लड में एच एन सीओ टू बढ़ेंगे ये एक्टिवेट हो जाएंगे सीएसएफ में एच एन सीओ टू बढ़ेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे और दोनों मिलकर के करते क्या है दोनों का काम एक ही है दोनों मिलकर के मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास सिग्नल भेजते हैं और मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या कर देता है इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ ब्रीथिंग वो इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ठीक है अब आ जाते हैं एनसीआरटी की थ्योरी पर ठीक है इंक्रीज इन दिस सबिस्टेंस अगर सीओ टू और एच एन बढ़ते हैं कैन एक्टिव दिस सेंटर एक्टिवेट हो जाते हैं विच इन टर्न कैन सिग्नल द रिदिम सेंटर टू मेक नेसेसरी सिग्नल कहां बेचते हैं एमओ के पास ठीक है नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द रेस्परेटरी प्रोसेस बाई विच दी सबिस्टेंस कैन बी इलिमिनेट

द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्परेटिज इज क्विट इन सिग्निफिकेंट मतलब उसका कोई रोल नहीं होता मेनली एच एन ओ सीओ टू का रोल होता है ठीक है ऑक्सीजन का कोई खासा रोल नहीं होता अब डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं तो एक तो एस्थमा ध्यान रखना है आपको ये एक एलर्जिक डिसऑर्डर है बस एस्थमा में क्वेश्चन आता है इसमें इन्फ्लामेशन ध्यान रखना एक विजिंग साउंड ध्यान रखनी है साउंड प्रोड्यूस होती है और इन्फ्लामेशन होता है जिसमें bronchi bronchi हो? जिस दो बातें ध्यान रखनी गर्दन दबा दी हो ठीक है और एक साउंड प्रोड्यूस होती है ये तो क्या? में दो हर साल क्वेश्चन बन रहा है इसमें एल्वर सेप्टम डाइजेस्ट हो जाते हैं ट्रप्सिन की वजह से सरफेस एरिया रिड्यूज हो जाता है ठीक है और स्मोकर्स को होने वाली प्रॉब्लम है है ठीक स्मोकर्स को और स्मोकर डिसऑर्डर है है का मतलब है लीथल डेंजरस खतरनाक मौत हो सकती है ठीक है इन विज द एल्वर वॉल एल्वर वॉल क्या हो रही है यहां पर डैमेज हो रही है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया घट रहा है मेजर कॉज क्या है इसका आप बोलोगे सिगरेट स्मोकिंग है सिगरेट पीने वालों को जब ज्यादा होता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो आपके ऑक्यूपेशन काम काज से जुड़े हुए हैं समझ रहे हो वो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है इन सर्टेन इंडस्ट्री भाई किसी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो कोल डस्ट ठीक है सिलिका डस्ट समझ रहे हो ए, कुछ भी या कह सकते हो कि ट्रैफिक पोलुशन तो जो पोल्यूशन की डस्ट होती है ठीक है कॉटन इंडस्ट्री में काम करें कॉटन फाइबर तो ये अंदर जाकर के क्या कर देते हैं फाइब्रोसिस कर देते हैं, फाइबर, आपके होते हैं है, में भी होता है, और डेथ भी हो सकती है सर्टेन इंडस्ट्री ठीक है दो सौ इन्वॉल्व जैसे ग्राइंडिंग स्टोन ब्रेकिंग एक्ट्रा इन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस डस्ट प्रोड्यूस होगी ठीक है ठीक है बॉडी कैन नॉट फुली कोप विद सॉल्यूशन हम 100 इसको समझ रहे हो ना लंग लंग एक्सपोज़ एक्सपोज़ होते ही है. और वहां पर इंफ्लामेशन भी होता है जिसकी वजह से फाइब्रोसिस होती है एंड दस कॉजिंग बढ़ रहा है ठीक है इलास्टिटी खत्म हो जाएगी वर्कर्स इन सच इंडस्ट्री शुड वर्कर्स को बोलते हैं कि भाई आप प्रोटेक्टिव मास्क लगाओ इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर समझे तो इस तरीके से हम बेटा चैप्टर के एंड में स्टेप बाय स्टेप एनसीईआरटी कराते जाएंगे ठीक है और अपने कांसेप्ट को एकदम ब्रेन में सेट करते जाना थैंक यू बेटा ऑल द बेस्ट कुछ भी नहीं छोड़ा है टी सारे कांसेप्ट इसमें ऐड कर दिए हैं ठीक है थेके? डिटेल हमने क्लास में करा दिया है एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हमने यहां करा दिया है थैंक यू बेटा ऑल द बेस्ट बाय बेटा